डेंगू के केसेस कुछ देर से जो है जिला ऊना में सामने आए हैं और अभी तक हमारे पास 31 केस जो है डेंगू के आ चुके हैं और दिल्ली 2 से 3 केस, कल 5 केस डेंगू के आए थे और हमारी टेस्टिंग जो है RH ऊना में हो रही है और CH अम में भी जो है मशीन आ गई है और वहाँ पे रिएजेंट जो है एलिजा का वो प्रक्योर कर रहे हैं, वहाँ भी 1-2 दिन में जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा हमारा जो स्क्रब टाइफस है उसके भी 39 केस जो है अभी तक हमारे पास आए हैं और इसके ऊपर भी हमने काफ़ी IC की है, लोगों को अवेयरनेस किया है कि जो जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो घास वाला एरिया है वहाँ पे खुले पाँव से और खुले टांगों से ना जाएं, कवर करके रखें, बाजू भी कवर करके रखें जब भी वो घास वाले इलाके में जाओ, क्योंकि इससे टिक से जो है माइट से जो है ये बीमारी फैलती है। सर अगर बात की जाए जो मरीज कल तक सामने है, क्या उनकी स्थिति है और दिमाग द्वारा भी क्या करना है? देखिए डेंगू के जो भी केसेस आए हैं जो RH ऊना में ट्रीट हुए हैं, 1-2 केस हमने रेफर किए हैं, PGI एक पेशेंट भेजा है, एक पेशेंट हमारा टांडा गया है, बाकी यहीं पे ही सारे ट्रीट हुए हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो है हाइड्रेशन करनी है, एंटीवायरल जो है मेडिसिन देनी है और इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। इसके अलावा जो दूसरे सीरियस केसेज हैं जिसमें कॉम्पोनेंट रिप्लेसमेंट करनी होती है उनको हम टांडा भेजते हैं। फॉगिंग हमने शुरू कर दी है, हमारा जो है अंब में फॉगिंग हो गई है और आज जो है हम ऊना शहर में अर्बन एरिया में फॉगिंग करेंगे और जितने भी टारगेट एरियाज हैं रिहायशी इलाके जहाँ पे पानी वगैरह और घास वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे इसको टारगेट किया जाएगा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।